आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कि जो भी HTML5 में नए इनपुट टाइप आए हुए हैं उनके बारे में समझेंगे कि कौन कौन से इनपुट टाइप हैं और उनका यूज़ क्या है। सो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि जब भी आप फॉर्म टैग के भी एलिमेंट होते हैं उनको एक्सेस कर रहे होते हैं तो सबसे पहले आप लगाते हैं फॉर्म टैग। चूँकि ये कंटेनर टैग है तो इसे आप क्लोज भी करते हैं, जो कि मैंने कर दिया है। अब जो भी आपका कोड होता है फॉर्म टैग के अंतर्गत आप यहाँ पर लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ इनपुट एंड इनपुट टाइप। जो HTML5 में पहला इनपुट टाइप है दैट इज़ कलर। इसकी सहायता से आप यूज़र से कलर इनपुट करवा सकते हैं और मैं इसकी नेम दे देता हूँ माई कलर, ठीक है, माई कलर। और इसको मैंने यहाँ से क्लोज़ कर दिया और मैं यहाँ पर एक बटन डिफाइन कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा इनपुट इनपुट टाइप सबमिट और मैं इसकी वैल्यू को दे देता हूँ सबमिट, कि मुझे बटन पर सबमिट को ही शो करवाना है, ठीक है, ओके। अगर मैं आपको इतने का प्रीव्यू दिखाऊं तो आप यहाँ देखेंगे कि आपके सामने एक कलर का बॉक्स बन के आ चुका है, ठीक है। इसके पहले मैं एक लेबल डिफाइन कर देता हूँ ताकि मालूम पड़े कि यहाँ से इंटर क्या करना। तो मैंने लिखा लेबल और मैं यहाँ पर दे देता हूँ इंटर योर फेवरेट कलर, ठीक है, और इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। अगर मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखाऊँ तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ लिख क्या रहा है इंटर योर फेवरेट कलर। तो जब भी मैं यहाँ पर कर्सर पे लेके जाऊँगा और मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो मेरे सामने एक कलर का बॉक्स ओपन हो जाएगा और जो भी मुझे यहाँ से कलर चूज़ करना होगा मैं उस पर क्लिक कर दूँगा और सेट पर क्लिक कर दूँगा। जो मेरे सामने कलर का पॉपअप बॉक्स ओपन हुआ है ये अलग अलग ब्राउज़र पर डिपेंड करता है कि वो कैसा ओपन करते हैं, ठीक है। तो ये पहला एलिमेंट था, पहला इनपुट टाइप था इनपुट टाइप कलर। इसके अलावा जो दूसरा इनपुट टाइप है दैट इज़ ईमेल, कि आप यूजर से इनपुट ले सकते हैं ईमेल। तो मैं यहाँ पर ले देता हूँ इंटर योर ईमेल, ठीक है, ईमेल। और आपको सिंपली यहाँ पर लिखना होगा इनपुट टाइप ईमेल, तो मैं यहाँ पर लिख दिया है और मैं इसका नाम भी चेंज कर देता हूँ। हालांकि यहाँ पर नाम देने की आवश्यकता कोई नहीं है क्योंकि ये भी हम लोग बिल्कुल एजुकेशन पर्पज़ से सीख रहे हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि आपके सामने ये पूछ रहा है इंटर योर ईमेल। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ और मैं यहाँ पर कुछ भी लिख दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अपना नाम, और जब भी मैं एंटर करूँगा तो आप देखेंगे ये बोलेगा कि भैया ये ईमेल आईडी नहीं है, आप मुझे बेवकूफ़ मत बनाइए, क्योंकि ईमेल आईडी में ऐट द रेट का साइन होता है। तो जब मैं लिखूँगा यहाँ पर सत्यम डॉट सत्तर इकहत्तर छियालीस ऐट द रेट gmail.com तो आप देखेंगे इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये डेटाबेस से कनेक्ट नहीं है तो यहाँ पर ये शो हो रहा है, ठीक है। तो ये था इनपुट टाइप। अगला है इनपुट टाइप सर्च। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया search इनपुट टाइप सर्च और मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि इंटर, जो भी आपको सर्च करना है यहाँ से एंटर कीजिए, आप इसको अपनी भाषा में लिख दीजिएगा। अगर मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखाऊँ तो आप यहाँ देखेंगे कि ये पूछ रहा है इंटर सर्च, आपको जो भी सर्च करना है आप उसे एंटर कीजिए। तो मैंने कहा मुझे सर्च करना है सी लैंग्वेज, ठीक है। हालांकि ये भी वर्क नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो वहाँ पर आपको एक सर्च का बॉक्स दिखता है। आप जब भी वहाँ पर कुछ टाइप करते हैं तो उस वेबसाइट में अगर जो आपने सर्च किया है वो कंटेंट मैच करता है तो आपके सामने ओपन हो जाता है। तो जो इनपुट टाइप सर्च है उसका काम हम लोग वेबसाइट में कुछ भी सर्च करने के लिए यूज़ करते हैं। दैट इज़ टेल, यानी कि टेलीफोन। आप इसकी सहायता से यूजर से टेलीफोन नंबर ले सकते हैं। मैंने लिखा इंटर योर टेलीफोन नंबर, टेलीफोन नंबर, और मैंने यहाँ पर लिख दिया इनपुट टाइप, ठीक है। हालांकि स्पेलिंग गलत थी उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहाँ पर लिखा search, स्पेलिंग ये होती है, वहाँ मिस्टेक हो गई थी, वर्क वही होता है, ठीक है, यहाँ पर वहाँ मिस्टेक हो गई ही थी। तो मैंने यहाँ पर लिखा इनपुट टाइप टेल। टेल का मतलब ये है कि हमें यहाँ से टेलीफोन नंबर लेना है। तो आप देखेंगे कि आपके सामने यहाँ पर पूछ रहा है इंटर योर टेलीफोन नंबर, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 7607418817 और मैंने यहाँ से सबमिट कर दिया। तो इस तरह से यूजर से इनपुट भी लिया जा सकता है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट इनपुट टाइप की, दैट इज़ URL। अगर आपको किसी यूजर से URL को एंटर करवाना है तो उसके लिए आप इनपुट टाइप URL का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ कर देता हूँ इंटर URL, ठीक है, इंटर URL। और मैं अगर इसका प्रीव्यू दिखाऊँ तो आप यहाँ देखेंगे कि ये पूछ रहा है इंटर URL। मैंने यहाँ पर लिखा www
https://blogspot.com। अगर मैं यहाँ से एंटर करता हूँ तो ये हमको एरर देगा, क्यों? क्योंकि ये बता रहा है कि जो यूआरएल होती है उसमें सबसे स्टार्टिंग में प्रोटोकॉल भी आता है और आपने वो इंक्लूड नहीं किया है। तो यहाँ पर लिखा HTTP एंड www.subdss.blogspot.com। अगर मैं सबमिट करूँगा तो इसमें कोई एरर नहीं है, यानी कि आपको यहाँ पर प्रोटोकॉल प्लस वेब जो आपका होता है W3 उसके नाम के साथ में यूआरएल को एंटर करना है। नेक्स्ट आता है इनपुट टाइप, दैट इज़ नंबर। तो मैंने आप लिख दिया इनपुट टाइप नंबर, और मैं यहाँ पर कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल मुझे एज लेनी है, तो मैंने कहा इंटर एज, ठीक एज। आप देखेंगे कि ये पूछ रहा है इंटर एज, और मैं यहाँ पर नंबर दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 45, और मैंने इसको सबमिट कर दिया। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसमें एक फील्ड सेट कर सकते हैं या आप इसमें कंडीशन लगा सकते हैं, भैया मुझे यहाँ से सिर्फ और सिर्फ जो नंबर लेना है मिनिमम जो एज रहेगी वो रहेगी 18 ईयर्स की, और जो मैक्सिमम एज रहेगी वो रहेगी 25 ईयर्स की। इस केस में क्या होगा कि जब भी कोई बंदा अगर 15 से कम एंटर करेगा, मान लीजिए यहाँ पर एंटर किया 10 और मैं यहाँ से सबमिट करूँगा, तो ये कहेगा वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 18, यानी कि जो वैल्यू है वो तो वह या तो 18 हो या फिर 18 से ज़्यादा हो। अगर मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ 45 और मैं सबमिट करता हूँ तब भी एरर देगा, क्योंकि उसने कहा है कि जो एरर हो वो जो एज हो वो 25 ईयर से कम होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर 24 कर देता हूँ तो इस केस में ये सबमिट हो जाएगी। तो ये होता है इनपुट टाइप नंबर। अब हम बात करते हैं इनपुट टाइप रेंज के बारे में। आप जो काम नंबर करता है वही काम रेंज भी करता है, लेकिन जो इनपुट लेने का तरीका है वो हल्का सा चेंज है। अगर मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखाऊं तो आप यहाँ देखेंगे कि आपके सामने एक स्क्रॉल टाइप का बन के आ रहा है, इसको आप स्क्रॉल कर सकते हैं इस टाइप से। जो वैल्यू इसकी रहेगी मिनिमम वो रहेगी 18, जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगी वो रहेगी 25। अगर आप चाहें तो आप इसमें स्टेप भी फिक्स कर सकते हैं कि जो स्टेप रहेगी जो ऑप्शंस रहेंगे वो दो दो के गैप में रहेंगे, यानी कि स्टेप इसके लिए आपको यहाँ पर एक एट्रीब्यूट दैट इज स्टेप इसका यूज़ करना होगा। और मैंने कहा कि आपका जो ऑप्शन रहेंगे वो रहेंगे हर बार 3 दिन बढ़ेगा, यानी कि पहला ऑप्शन 18 का, फिर 21 का, फिर 24 का, और मैं कर देता हूँ 27, ठीक है। यानी कि जो ऑप्शन आपको शो करने हैं वो 3 के मल्टीपल में रहेंगे और 18 से ग्रेटर रहेंगे। अगर मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखाऊं तो आप देखेंगे कि ये 3-3 के गैप से झटके देके, आप देखिए यहाँ पर झटका दे रहा ना, ये इसका मतलब ये है कि ये बीच बीच में 3-3 नंबर्स को छोड़ता हुआ आगे पीछे हो रहा है। जितना आप सेट करेंगे उतना ज़्यादा यहाँ पर गैप आता जाएगा। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ दोबारा से। अगर मैं इसकी स्टेप को कर देता हूँ 6, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो इसका खिसकने का चांस था, मतलब देखिए आप सिर्फ 2 बार में ही पूरा हो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें रेंज का सिस्टम भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है दैट इज़ डेट और टाइम। अगर आपको यूजर से डेट और टाइम को इनपुट कराना है तो उसके लिए आप इस इनपुट टाइप का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर लिखना होगा डेट टाइम और डैश लगाकर, इसको बोलते हैं हाइफन लोकल। अगर आप ऐसा यूज करते हैं तो इस केस में क्या होगा, मैं ले देता हूँ इंटर डेट एंड टाइम। अलग अलग ब्राउज़र पर अलग अलग आउटपुट आएगा। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ देखेंगे ये पूछ रहा है सेट डेट एंड टाइम। अगर मैं यहाँ से डेट को सेट कर सकता हूँ, जो भी ये डेट हो, AM है, PM है, और मैंने यहाँ पर सेट पर क्लिक कर दिया, आप देखेंगे कि आपके सामने जो डेट है और टाइम है वो एंटर हो चुकी है और मैं यहाँ से सबमिट कर सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा आप चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ डे ना आए बल्कि मंथ और ईयर भी आए, तो इसके लिए आपको यहाँ पर लिखना होगा सिर्फ और सिर्फ मंथ। इस केस में वहाँ से वो मंथ और ईयर एंटर कर लेगा। मैंने लिखा मंथ, आप देखेंगे मैं लिख देता हूँ इंटर मंथ ताकि मालूम पड़े ये लेवल किसके लिए है। तो मैंने यहाँ पर लिखा इंटर मंथ, आप देखेंगे कि ये पूछ रहा है इंटर मंथ, और मैं जब यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये पूछ रहा है किस ईयर का कौन सा मंथ। मैंने कहा 2019 का दिसंबर, ये जो भी आप सेट करना चाहें आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, और मैंने इसको यहाँ से सेट कर दिया। तो ये होता है मंथ, यानी कि जब भी आपको यूजर से मंथ लेना होगा तो आप उसके लिए इनपुट टाइप मंथ का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट दैट इज़ वीक। आप चाहते हैं कि जो यूज़र डेट एंटर करे वो कौन सा वीक है। आप जानते हैं कि एक ईयर में 52 वीक और कुछ दिन होते हैं, और तो मैंने यहाँ पर लिख दिया वीक कि भैया मुझे यहाँ से वीक को इनपुट लेना है। तो मैंने यहाँ पर प्रीव्यू दिखाया
तो ये पूछ रहा है कि आप यहाँ से कौन सा वीक एंटर करेंगे। तो मैंने कहा 2019 का 16 वीक हमें एंटर करना है। कहीं कहीं आपको एक डेट का पॉपअप बॉक्स ओपन होगा, वहाँ पर जब आप डेट को सेलेक्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर दिखा देगा कि जो आपने डेट सेलेक्ट की है वो इस साल का इतना वीक है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है 2019 का 16वां सप्ताह। तो आप देखें यहाँ लिख के आ चुका है वीक जो है वो 16 है, जो ईयर है वो 2019 है, और मैं यहाँ से सबमिट कर सकता हूँ। इसके अलावा जो लास्ट इनपुट टाइप है दैट इज़ टाइम। अगर आपको यूजर से इनपुट टाइप में टाइम लेना है तो इसके लिए आप टाइम का यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ लिख दिया इंटर टाइम। ठीक है, इंटर टाइम। आप देखेंगे कि आपके सामने जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो एक क्लॉक बन के आ जाएगी, और ये पूछ रहा है कि आपको कौन सा टाइम फिक्स करना है। जो भी मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा वो आपको यहाँ पर दिखेगा। आप देखेगा यहाँ पर आपको दिखेगा जो मैं आपको चेंज करूँगा इस जगह पर। ठीक है, तो मैंने लिखा कि मान लीजिए मुझे 155 सेट करना है। आप यहाँ देखेंगे लिख के आ चुका है 155। अगर आपको AM चाहिए तो आप AM पे क्लिक कर दीजिए, अगर आपको PM चाहिए तो आप PM पर क्लिक कर दीजिए, और यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। तो ये HTML5 के कुछ नए इनपुट टाइप थे। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियोज़ में हम लोग जो भी HTML5 में नए टैग्स आए हैं उनको कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।